खटपट न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आइए अब देखते हैं कोरबा जिले की प्रमुख खबरें फास्ट न्यूज पर। कुआं भट्टा में बेजा कब्जा तोड़ने पहुंची प्रशासन की टीम को बस्ती वासियों के विरोध का सामना करना पड़ा। रामपुर विधायक नंदीराम कंवर प्रशासन की कार्रवाई को असंगत बताते हुए बस्ती वासियों के समर्थन में अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठ गए। नंदीराम के बैठने के बाद प्रशासन ने तत्कालिक रूप से अपनी कार्यवाही शिथिल कर दी है। परिवहन विभाग ने जिले की 2746 वाहन के मालिकों को एक हफ्ते के भीतर बकाया टैक्स जमा करने का नोटिस भेजा है। 43 करोड़ बकाया राशि जमा नहीं करने पर वाहन मालिकों के खिलाफ मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कड़ी कार्रवाई की हिदायत दी है। ये गाड़ियां 5 से 15 साल पुरानी है, जिसका न तो फिटनेस टेस्ट हुआ है और न ही टैक्स जमा किया गया है। करतला जनपद पंचायत क्षेत्र के 78 ग्राम पंचायतों के सरपंचों ने अपनी मांगों को लेकर जनपद मुख्यालय के सामने अनिश्चितकालीन धरना दिया। जिला सरपंच संघ के जिला अध्यक्ष सेवक राम मरावी, ब्लॉक सरपंच संघ उपाध्यक्ष राकेश कुमार राठिया ने बताया कि कोरबा SDM के आश्वासन के बाद धरना समाप्त किया गया। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह के अंतर्गत बालको के ट्रैफिक विंग ने संयंत्र में आने वाले ट्रकों के चालकों के लिए निःशुल्क स्वास्थ्य जांच एवं जागरूकता शिविर आयोजित किया। शिविर में सामान्य मौसमी बीमारियों के साथ ही आंखों की जांच की गई। चालकों को HIV/AIDS के लक्षणों और उससे बचाव के तरीके भी बताए गए। जिन ट्रक चालकों में दृष्टि संबंधी समस्याएं पाई गई, उन्हें निःशुल्क चश्मे दिए गए। ब्यूरो रिपोर्ट, खटपट न्यूज। आप देख रहे हैं खटपट न्यूज।